नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कह रखा था कि जब मेरे मेन चैनल YouTube जोगेंद्र ज्ञान के ऊपर 50,000 सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे तो मैं आपके सामने अपना ब्लॉगिंग चैनल लेकर आऊँगा। तो आप सब जानते हैं मेरा एक नया चैनल चलता है, इसका नाम है जोगेंद्र सहानी। उसी पर मैं शेयर मार्केट का वीडियो बनाता हूँ और उसके ऊपर मैं जो है ब्लॉगिंग का वीडियो बनाता हूँ। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको अपने सेटअप के बारे में, कैसे मैं यूट्यूब वीडियो शूट करता हूँ और कैसे आपके सामने वो वीडियोस को लेकर आता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं, आपको दिखाता हूँ पूरा अपना सेटअप हूँ दोस्तों। देखिए मेरे पास जो है ना यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए तीन चीज मेन है। एक है मेरे पास ये माइक, देखिए बोया कंपनी का जो मैंने अपने कॉलम लगा रखा है, इस माइक के माध्यम से करता हूँ। और देखिए माइक है ये, और दूसरा फिर उसके बाद एक ट्राइपॉड है। ये ट्राइपॉड सिंपल तरीके से ये टीजी टेक है। ये पहले मेरा छोटा ट्राइपॉड था लेकिन यूट्यूब की वजह पैसा मुझे आना स्टार्ट कर दिया ना, तो उसके बाद मैंने एक अपना नया ट्राइपॉड ले लिया। ये 1500 रुपए का ट्राइपॉड है। ये लोग जो कहते हैं कि बड़ा लंबा सेटअप चाहिए आपको यूट्यूब वीडियोज के लिए, नहीं दोस्तों, आपको एक माइक चाहिए, आपको चाहिए एक ट्राइपॉड चाहिए, आपको चाहिए एक मोबाइल फोन जो कि हर आदमी के पास मोबाइल फोन होता है, और दूसरा कोई पकड़ने वाला आदमी हो जो कि आपकी वीडियो को शूट करे। हमारे साथ में एक जन है, आप वीडियो को शूट कर रहे हैं, ये चेंज हो चुका है। और दूसरा एक बैठने का जगह होना चाहिए। देखिए मैं जो बैठता हूँ आपके सामने देखते होंगे कि हमेशा यहाँ बैठता हूँ और बैठने के बाद मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। देखिए मेरा सेटअप रूम है, आज ही मैंने अपने मेन चैनल पे वीडियो बना हुआ था यूपीएस के बारे में, तो ये यूपीएस का डब्बा इसका मैं हटा देता हूँ और उसके हाथ लेते हैं। देखिए ये पूरा मेरा सेटअप है और ये बैठता हूँ सिंपल तरीके से। ये डाइनिंग टेबल है, ये घर में जो खाना खाते हैं ना वो टेबल था, तो पड़ा मैंने इसको यहाँ पर रख लिया है। और इसके ऊपर जो है मैं प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करता हूँ, रिव्यू करता हूँ, और कंप्यूटर रिपेयरिंग करने के बाद जब आती है तो मैं रिपेयरिंग कर लेता हूँ, चाहे लैपटॉप डेस्कटॉप आ गए। देखिए यहाँ पर मैंने जो है ये एक पावर बोर्ड दे रखा है, पावर बोर्ड के माध्यम से, और मैं लगाता हूँ उसके बाद यहाँ से ऑन करके रखता हूँ। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पीछे एक मैंने लगा रखा है स्क्रीन के लिए फूल, गुलाब का फूल अच्छा है, ये 200 रुपए का मिला हुआ था मुझे। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर दिया हुआ एक, ये आप देख सकते हैं कुछ बोर्ड टाइप का है। ये क्या मैं टीवी खरीदा हुआ था, टीवी के साथ में बड़ा सा डब्बा मिला था, उसको काट के टीवी के डब्बे को और ऊपर से ये पेपर लगा कर मैंने बना दिया है अलमारी टाइप का, और इसके अपने हम पार्ट को रखते हैं, चीजें होती है ना रखने के लिए, अच्छा लगता है ये। ठीक है ये देखिए बड़ा सामान पड़ा, उसके अंदर कुछ सामान एंटीवायरस सारी चीजें ये है, सीपीयू रखा रहता है, तो सिंपल तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ बैठता हूँ ना, बैठने के लिए क्या, देखिए एक तो आपको लाइट चाहिए घर के अंदर, तो ऊपर देखिए एक लाइट यहाँ लगा रखा हूँ, पीछे में यहाँ लाइट, पीछे है, पीछे मेरे एक माइक वहाँ लाइट है, और उसके बाद देखिए एक लाइट मैंने यहाँ लगा रखा है। देखिए लाइट है सीधे सीधे, ये मेरे चेहरे पे फोकस मार रहा है, ये तो आपका आर्टिफिशियल लाइट है, मतलब कि लाइट हो गया। मेन चीज होता है मैं वीडियो शूट करता हूँ दोपहर में, दोपहर में क्या होता है ना कि देखिए जैसे ये ट्राइपॉड मेरे पास है, और पीछे मेरे घर के जो है यहाँ पे एक खिड़की दिया हुआ है, देख सकते हैं खिड़की है ये, और खिड़की से ये नेचुरल लाइट आता है। ठीक है नेचुरल लाइट यहाँ से आता है, नेचुरल लाइट आने के बाद में, और उसके बाद अपने कैमरे को ना मैं अपने कैमरे को देखिए मैं यहाँ लगाता हूँ, यहाँ मतलब कैमरा अपना यहाँ रख देता हूँ मैं, और उसके पीछे से जब लाइट आता है तो चेहरे पे फोकस मारता है, मतलब कि क्लीन दिखता है, तो लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ट्राइपॉड हो चुका, इस तरीके से मैं काम करके और बैठता रहता हूँ, अच्छे तरीके से मैं वीडियो बना लेता हूँ। ठीक ये सारी चीजें हैं, देखिए एक चीज आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए एक ये है घर का बनाया हुआ चीज है, ये एक नॉर्मल सा बोतल होता है ना, बोतल है, बोतल के ऊपर ये आपका जो हम आइसक्रीम खाते हैं उसका स्टिक आता है, स्टिक को जोड़ करके तो उसके बाद ये आटे का गुद्दी बना बना गोल गोल बना करके उसको ऐसे कलर करके वहां चिपका दिया गया है, उसमें मनी प्लांट, तो कभी कभी आप भी देखते होंगे इस तरीके से ये हो गया है। ठीक है और ये जो है मेरी वाइफ ने बनाया हुआ है वीडियो बनाने के लिए, एक चीज आपको देख लीजिए ये हो गया, और दूसरा मेरे पास ये देखिए एक और ये बना हुआ है, ये भी बोतल है, और इसको क्या किया हमने, मेरी वाइफ ने किया हुआ है, जो सीडी घर में होती है ना, जब मैं विंडो लोड करता हूँ सीडी खराब हो जाता है, तो सीडी को तोड़ के और यहाँ पे उसमें लगा दिया, देखिए लग गया है ये, और उसके ऊपर एक पेपर लगा दिया, बोतल लग के इसमें फ्लावर रख दिया, मतलब शोपीस के लिए है, कुछ पैसा ज्यादा ही खर्चा करना आपको है। सिंपल तरीके से अगर आज मेरे यूट्यूब के ऊपर जो है 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो इसी देसी अंदाज से हुए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत पैसा खर्चा कर दीजिए आप तो आपके बहुत सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, आपके पास जो है बहुत सारे व्यू आ जाएंगे, नहीं, आप जो रियल है लोगों को रियल दिखाने का प्रयास करिए, तभी आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तभी आपके व्यूज आएंगे, और कॉन्टेंट देना मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है देखिए ये कमरा मेरा है, और कमरे को जो है जो आप देखते होंगे लगता होगा कितने अच्छे रूम में बैठा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ देखिए ये असल वाली कपड़ा रखा हुआ है यहाँ पर, और एक टेबल है, टेबल को बहुत फैला हुआ था, मैंने सोचा कपड़े ढक दूं और आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो उसके लिए ये है चीजें, मतलब ऐसा कहने का तात्पर्य दिखाने मतलब ये है कि बहुत हम एक्सपर्ट नहीं, लेकिन क्या कि जो हमारे पास रियलिटी है ना रियल दिखाने का प्रयास करिए। और फिर उसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है, मैं वीडियो बनाता हूँ दिन के अंदर, दिन में मतलब धूप होता है, बाहर गर्म होता है, तो पंखा हमको बंद करना पड़ता है, क्योंकि पंखा जब चालू करेंगे ना तो पंखे का आवाज आता है और वीडियो में आता रहता है, क्लियर नहीं आता है, तो गर्मी में वीडियो को बनाना पड़ता है। तो मैं क्या किया हूँ, यूट्यूब की मेहरबानी है, खैर वैसे यूट्यूब के वजह से पेमेंट मुझे मिला हुआ था, तो कोई आदमी सेकंड एसी बेच रहा था। ठीक है तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एसी लगवा दिया है, स्पीड एसी, मात्र 7,000 रुपीज का एसी है ये, और एसी लगकर जब वीडियो बनाता हूँ तो उसको चालू कर लेता हूँ, क्योंकि बिल बहुत ज्यादा था, लिमिटेड आवर करके इसको मैं चालू करता हूँ अपने एसी को, और इसके माध्यम से रूम ठंडा हो जाता है तो वीडियो बना लेता हूँ।
क्लियर है दोस्तों। तो ये सिंपल तरीके से रूम है और कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए बस इंटरनेट वीडियो लोड करने के पहले क्या होता था ना, पहले मुझे जाना पड़ता था छत के ऊपर, क्योंकि कभी मेरा इंटरनेट काम करता था कभी नहीं काम करता था, वीडियो अपलोड होने में कभी आधा घंटा एक घंटा लग जाता था। उसके लिए मैंने फिर बाद में जब यूट्यूब पेमेंट आना स्टार्ट हो गया मेरे पास में, तो मैंने एयरटेल कंपनी का ये लगवा दिया, राउटर लगवा दिया। इसके माध्यम से अब इंटरनेट जो है ना तेज जल्दी जल्दी वीडियो लोड हो जाता है, तो आपके सामने रेगुलर वीडियो आ जाता है, वरना पहले दिक्कत होता था। फिर जुगाड़ वाला लाइट मेरे पास पड़ा हुआ है कि अगर इनकेस लाइट बाहर नहीं आ रहा, मौसम खराब है, तो ऐसा रख देता हूँ कि मतलब कि चेहरे पे फोकस आवे, इस तरीके से काम करके। और ये सिंपल तरीके से सेटअप करते कि कंप्यूटर रिपेयर करना होता ध्यान लगाता हूँ रखता हूँ, सब कुछ काम करके मैं कर सकता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये YouTube पर आना चाहते हैं, अपना YouTube से अर्निंग करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको अच्छा कैमरा चाहिए, आपको अच्छा माइक चाहिए, अच्छा ट्राइपॉड चाहिए, आपके पास जो है उसे कम से कम स्टार्ट करिए। मेरे पास जो था मैंने स्टार्ट किया हुआ था ट्राइपॉड, आपको जो दिख रहा अच्छा वाला, पहले छोटा ट्राइपॉड था, पहले मैं ईयरफोन से रिकॉर्ड करता था, बाद में बोया का माइक खरीद लिया हूँ। तो धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तभी व्यूअर बढ़ते हैं, तभी कुछ अर्निंग हो पाता है। और धन्यवाद यूट्यूब को भी देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब की मेहरबानी है, उसकी वजह से जो है आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आप लोग जान रहे हैं दोस्तों। तो ये देखिए अब मेरे ब्लॉगिंग चैनल पर बनाकर मैं आप लोगों को सब अपने दिनचर्या पर बताऊंगा, अपने लाइफ स्टाइल में दिखाता रहूंगा, कैसे मैं लोग बीच में कंप्यूटर बनाए जाता हूँ, कैसे मैं वहाँ से भी थोड़ा बहुत अर्न कर लेता हूँ, इस तरीके से। तो सारी चीज़ें दोस्तों, तो ये सेटअप है ये, और इस तरीके से आप भी हैं सरमाइन है जो है ना उसको दिखाइए। मेरे बहुत सारे व्यूवर जो है इंडिया से बाहर से भी हैं, इंडिया के अंदर से भी हैं, इस तरीके से। और देखिए कभी बता दूं मैं, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे वीडियो रूम है ये सोने का वाला रूम है भैया, इसमें मैं सोता भी हूँ, देखिए चटाई बिछा हुआ है ना, ये आपको वीडियो में नहीं आता होगा, हम ये चटाई बिछा के यहाँ पे रात को सो भी जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जब हम बैठते हूँ कुर्सी बैठता हूँ तो मैं लगाता हूँ आपको ट्राइपॉड, यहाँ बोलता हूँ आपको लगता होगा क्या स्टैंडर्ड जगह है, कैसे इसने मेंटेन करके, नहीं भैया सिंपल तरीके से जो एकदम है ये, और इस तरह मैं वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आता रहता दोस्तों, ठीक है। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना दूं, आपको मोटिवेट कर दूं और आप भी वीडियो कुछ ना कुछ मतलब ज्ञान अर्जित करें और आपके अंदर भी वो सुखता जगे और आप भी YouTube पर आकर के वीडियो बना करके, क्योंकि देखिए आजकल YouTube से मैं ठीक ठाक इनकम कर लेता हूं। हमारे इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, कंप्यूटर रिपेयरिंग काम एकदम कम हो चुका है, तो इस समय जो है YouTube से कुछ भी अर्निंग मिल जा रहा है ना, तो सोने पे सुहागा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी काम स्टार्ट कर सकते, देर मत करिए, क्योंकि जब भी आपने काम स्टार्ट किया तभी से वो काम ठीक टाइम होता है, तो इसे जरूर करिए दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं यार यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं लेकिन वो सोचते रहते कब स्टार्ट करेंगे, तो वो दिन कभी नहीं आया दोस्तों।